तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। देखिए हमारी दिया बत्ती हो गई है। मुझे ना आज इतना प्यारे लग रहे हैं ना मेरे कान्हा जी, सच में पीले कपड़े पहनते ना मुझे बहुत प्यारे लग रहे। काफ़ी देर में बस यही मन करता है कि बस इनको निहारते रहूँ, इतने सुंदर लगते हैं ना काल, मतलब पीले कपड़े में और लाल पगड़ी। हाँ ये क्या बोलूँ, हमारे कान्हा जी इतने बहुत 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 सुंदर और प्यारे लगते हैं पीले कपड़े में। तो हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, सुबह का रूटीन यानी काम वाम करना है, पूजा के सारे बर्तन ये सारे घसने हैं मुझे, पूजा के सारे बर्तन मुझे घसने हैं, आसनी रख दिया है। अच्छा मैं आपको बाहर का अपना नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे हमेशा की तरह देखेंगे, मैं जहाँ भी रहती हूँ ना मुझे यहाँ कपड़ों की बौछार तो हमेशा रहती है। ये ही कपड़े ये हमारे सामने वाले ने तुलसी रखा है, तुलसी माता को देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़ारा आता है। सामने बिल्डिंग है और यहाँ पे देखेंगे तो दूर दूर तक हरियाली नजर आती है। और ये पूरा पैसेज है हमारा, तो हमारा नहीं है वो तो सभी का है, ये सारे पैसेज सभी यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ एक बात है, मुंबई में आप ना कहीं भी देखेंगे ना कितना भी हो जाए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग में रहोगे तो भी आपको कपड़े जरूर दिखाई, और यहाँ से बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे ना, जब ये मंदिर है सामने यहाँ पे घंटी और ये सब बजते हैं नवरात्रों में, ये सब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हरियाली, यहाँ पे झाड़ पौधे हैं, कबूतर तो बैठे रहते हैं भाई, कबूतर तो मेरे इधर भी किचन में आके किचन के विंडो पर बैठ जाते हैं। मैं वही कह रही थी कि मतलब मुंबई में कहीं भी हो जाए कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन है ना वो कपड़े है ना आपको दिखाई देंगे हर जगह। ये सामने चाली है देख रहे हैं, मुझे चाली बहुत पसंद आती है, चाली वाली रूम में मेरा भी था, मैं थी 15 या 17 साल थी चाली के, मतलब ऐसे गली में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे किसी बिल्डिंग बंधी है जो जीते, लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह पानी आना, अगर कोई नहीं उठा तो भाई पानी भरने के लिए उठ पड़ो, ऐसे आवाज़ें देना, मतलब बहुत एक वो होता है ना, मतलब अटैचमेंट हो सकता है कि मेरे ही हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कुछ रहते यार, केले का झाड़ पत्ते सूख गए हैं तो अभी इनके लिए मुझे बुलाने का है दूसरा गमला लाने का, क्योंकि डिब्बा ही मुँह कर गया। जैसे केला बड़ा होता है तो नीचे से जड़ फेंकता है उस तरीके से, तो एक बकेट या फिर एक गमला लाना है बड़ा सा, उसमें लगाना है। और एक अभी फूल भी लेके आने का, धीरे 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 ये जो हमारी बालकनी है, बालकनी से नहीं बोल सकते, इस यहाँ पे आने के लिए मुझे कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है, बहुत ऊंचा है थोड़ा, तो ये गलत किया है बिल्डर ने बना के आपको। तो मुझे ये यहाँ पे चढ़ने के लिए सब बकेट रखा है, अभी पानी भरूंगी, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुंबई में जो रहते हैं उनको पता है कि पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, भाई तो बकेट रहेगी रहेगी। तो ये ना मुझे चढ़ने के लिए ना ऐसे कुर्सियों का ऐसे सहारा लेना पड़ता है, इतना है ये। मैंने अभी भी बताया ना कपड़े बहुत मिलेंगे, अब भी कपड़े उतार के लेके आए, यहाँ से ना मुझे यहाँ पे चढ़ने के लिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है। ये मेरा पटरा है, क्योंकि अभी हल्दी कुमकुम आने वाला है तो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रख लिया कि ढूंढा। देखिए कबूतर आ गया, ये कबूतर ना एक दिन मेरे घर पे था, घर के अंदर आ गया, तो मेरा लड़का किसी तरह भरा, क्योंकि पंखे चालू करो तो डर लगा रहता है कहीं पंखे से इनके पंख ना कट जाए, इसकी वजह से। बस बाप वैसे ही कुछ नज़ारा देखने मिलेगा, क्योंकि कपड़े उतार के लाओ तो और कहीं नहीं रखते, सबसे पहले मैं कुर्सी पर रख देती हूँ, फिर पूजा पाठ अपना किया और कपड़े डालने से। बाकी मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं रात को कपड़े धो लेती हूँ, पानी गिर जाता है, फिर बाहर पैसेज में डाल देती हूँ, हैंगर पे कुछ रस्सियों पे कपड़े डाल देती हूँ, और उसके और वो कपड़े उतार लेती हूँ और कुर्सी पर रख देती हूँ। अभी पूजा पाठ हो गया है, चाय पी लूँगी और उसके बाद पानी भरने के बाद फिर कपड़ों को थोड़े इस्त्री करने वाले हैं, जो मैं इस्त्री करूँगी नहीं तो इसे घड़ी लगा के रख दूँगी और इस्त्री करने बैठ जाऊँगी। तो इस तरीके से सुबह सुबह का रूटीन रहता है। लेकिन सच में कहीं कान्हा जी हमारे बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरी बहन बहली क्या ये बोल रही, बट मुझे ना पीले कपड़े, मैंने सोचा कान्हा जी के सेक्शन में मैंने सबसे ज़्यादा पीले ही कपड़े पहनूंगी, और कपड़े मैं मतलब खुद ही ज़्यादातर मैं कान्हा जी के कपड़े सिलती हूँ, लेकिन इस बीच में ऐसा हुआ कि मुझे लाना पड़ा, नहीं सिल पाई थी। लेकिन अब मैं कपड़े लूँगी भी या फिर कैसे भी पीले ही लूँगी, वैसे मैंने कई सारे पीले कपड़े ही लिए, लेकिन ऐसे घेर वाले कॉटन के कपड़े रहते तो अच्छे लगते। आप बोलेंगे कि बोलना क्या चाहती हूँ, बोलना ये चाहती हूँ कि मतलब पीले ही कपड़े मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली कान्हा जी के पीले कपड़े
कपड़े और लाल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी चाय वाय पियेंगे, फिर पानी का देखते हैं क्या है। सबसे ज़्यादा तो पानी की दिक्कत हो जाती है कि पानी नहीं आता है, और सुबह सुबह कैसे फेस होता है, आप आगे सूझ हुई ऐसे भी आप थोड़ा सा माँ बोलते ना आधा सर एक साइड में दर्द करना इग्नोर। और ये सारी चीज़ें ना मतलब सारा बोतल वोटल सब मेरे बच्चे जो रहते हैं ना पानी वानी पीते हैं ना रात को। मेरा बेटा सर थोड़ा बहुत काम करता है लैपटॉप पे, तो रात भर करेगा तो पानी जो भी पिएगा ना उसका एक बकेट मैं उसके टेबल के घर में रख देती हूँ, बेटा इसमें डाल बोतल के, नहीं वो वहाँ से उठ के आके यहाँ पे रख के जाएगा कि रख के जाएगा। और अगर बोलो मम्मी सुबह आपको दिख जाएगा कि बोतल धोना है, आप भूल गई तो इतने बड़े काम काज मेरे पुत्र जी हैं। और जहाँ जो सामान अभी सारे सामानों को मैं अच्छे से समेटूंगी फिर रखूंगी, और उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। दो घंटा सही से रहेगा। वो भी चिल्लाते चिल्लाते नहीं इसको जहाँ से उठाया वहीं पे रखना, जहाँ पे उठाया वहीं पे रखना। और फिर उसके बाद वो आपके घर में ऐसा होता है फिर बताएगा जरूर बच्चों को सुधारें कैसे, बोल बोल के थक गए कैसे सुधारें। और आपको सोचेंगे कि मतलब एनर्जी थोड़ी कम डाउन लग रही है, इसलिए डाउन लग रही है क्योंकि मेरे अभी मुख में चाय नहीं गया है। जब मेरे बोलते ना मेरी जिभ्या चाय का स्वाद चखेगी। और अभी पूरा मैंने इसे खाली कर दिया है, सुबह सुबह के काम हो गए जब तक चाय बन रही थी, और फ्रिज पे मैंने ये सारी चीज़ों को सेट कर दिया, सही से कर दिया। इसमें क्योंकि किचन के टॉवल वॉल रहते हैं क्योंकि मिलते नहीं जल्दी, इसलिए मैंने किचन के इधर ही बास्केट में से रख दिया क्योंकि मैं चाय और मुझे इतनी तौलियों की जरूरत, छोटे छोटे तौलियों की ज़रूरत लगती है क्योंकि कोई भी किचन में आता है तो हाथ पोछने के लिए फ्रिज पे इधर अभी टांग लूँगी और एक किचन में काम करने के लिए, और इस पर कप और ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन कुछ ही देर है उसके बाद फिर से फिर वही हंगामा, वहीं फिर इधर उधर पसारा हो जाएगा घर के, पड़ जाएंगे क्योंकि मेरे बच्चे बड़े तारीफ के काबिल। ये चश्मा गिफ्ट मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, गर्लफ्रेंड का एड्रेस जानना है तो इसे कॉन्टेक्ट करो। मैं तो कभी अपने बालों को इस तरह ना कभी करती भी नहीं, जितना मैंने पीला टी शर्ट पहना था पीला ड्रेस पहना, ऐसा कुछ नहीं। जलन 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 होती है। शॉपिंग से ये लेट फालतू का खर्चा हमने यूज किया ये, और सबसे बेहतरीन खर्चा ये है कि इसे मैंने बोला था कि मैं है ना, लेकिन ये अच्छा है खा लेंगे, जबरदस्ती खाऊंगी मेरे दाल दर्द करे। मैं खा ₹500 का है, लेकिन मैंने क्या करूं, हम मुझे ना सब बोलते हैं बड़े तो हम बड़े शौक थोड़े रखते हैं, तो मैंने मना किया था। लेकिन
मैं एक भी नहीं खाऊं क्योंकि मेरे दांतों में दर्द है। पक्का? पक्का। तो और सारे घर की शॉपिंग हुई बस, तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इनके जैसे शॉपिंग करने जाओ तो बस इनके ये पतियों को लेके जाओ और जेब काटते रहिए।